इत्तेहादी हुकूमत खत्म, कौमी असेंबली तहलील। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कौमी असेंबली तहलील कर दी। सदर मुमलिकत ने कौमी असेंबली की तहलील वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली तहलील करने की समरी सदर को भिजवाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक वज़ीर आज़म रहेंगे। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? सबको इंतजार मगर कोई नाम फाइनल ना हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ओपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत करेंगे। जलील अब्बास जलानी निगरान वज़ीर आज़म के मजबूत उम्मीदवार बन गए। साबिक सेक्रेटरी खारजा भी दौड़ में शामिल। नाम मंजूर किए जाने का कौमी इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म की रेस में मोहम्मद मियां सुमरो, हफीज शेख, फवाद हसन फवाद, सादिक सेंजरानी, तारिक बाजवा और नासिर महमूद खूसा भी शामिल। कौमी असेंबली का अलविदाई इजलास भी हो गया। वज़ीर आज़म ओपोजिशन लीडर समेत दीगर के खिताब, अलविदाई फोटो सेशन में शहबाज शरीफ और बिलावल समेत दीगर ने शिरकत की। मौजूदा वफाकी काबीना का भी आखिरी इजलास वफाकी काबीना ने भी फोटो सेशन करवाया। जेब में पीटीआई को सजा पर कोई खुशी नहीं, मिठाई बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी ने ऐसा किया है तो कतन अच्छी रवायत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली से अलविदाई खिताब, कहा गुज़िश्ता हुकूमत की नाकामी और नाअहली का बोझ हम पर आन पड़ा। पीटीआई हुकूमत अपनी जात की खातिर मुल्क को कुर्बान करना चाहती थी। सियासी मुखालफीन को नाजायज तंग किया, ना ही नैब को पीछे लगाया। 9 मई को जो हुआ वह रियासत के खिलाफ बगावत थी। वफाकी काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा माजी की हुकूमत की संगीन गफलत की वजह से कशकोल उठाना पड़ा। आईएमएफ की शराइत कड़ी और सख्त है। प्रोग्राम से ही मुल्क दिवालिया होने से बचा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा असेंबली को तारीख की बदतरीन असेंबली करार दे दिया। कहा शर्मिंदगी है, इस ऐवान का हिस्सा रहा। पाकिस्तानी अवाम को इस असेंबली से निजात मिलने पर खुशी मिली होगी। बदतरीन असेंबली का हिस्सा रहने पर अवाम से माफी मांगता हूँ। महंगाई कंट्रोल करने में हम नाकाम हो गए। सच यही है, महंगाई पहले से भी बढ़ गई है। ओपोजिशन लीडर राजा रियाज का कौमी असेंबली से अलविदाई खिताब, कहा गरीब का इस दौर में जिंदा रहना मुश्किल हो चुका है। हकीकत यह है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे। बिजली 7 रुपये महंगी करने का बताया गया मगर 14 रुपये महंगी की गई। मुखालफीन के नापाक अजायम से निपटने की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। जहलम के करीब टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, VT4 टैंक्स की लाइव फायरिंग और कारकर्दगी का जायजा लिया। सिपा सरार ने कहा मौजूदा और आने वाले दिनों में चैलेंजेस का अदारा हक है, हर किस्म के खतरा से निपटने की भरपूर सलाहियत है। जेब में पीटीआई को फौरी रिलीफ ना मिल सका, सजा फौरी मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 4-5 दिन में केस समाप्त के लिए मुकर्रर होगा। जेब में पीटीआई के डेरा जेल मुंतकली से मुतालिक भी समाप्त, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा जो कानून में है वो आपको जरूर देंगे, समाप्त कल तक मुलतवी। जेब में पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस एफआईए में पेश न हुए। दिन 2 बजे एफआईए ने इंक्वायरी के लिए बुलाया था। जेब में पीटीआई के वकील ने पंजोथा का एफआईए पर हब्जे वेजा में रखने का इल्जाम, कहा 8 घंटे तक हब्जे वेजा में रखा गया। एफआईए साइबर क्राइम का नोटिस नहीं मिला था, सोशल मीडिया पर देखकर खुद चला गया। और निगरान वज़ीर आला सिंध कौन बनेगा? ओपोजिशन जमातों की मशावरत का अमल जारी। वज़ीर आला सिंध की जानिब से अभी तक कोई नाम सामने न आया। मुराद अली शाह और ओपोजिशन लीडर राणा अंसार की मुलाकात का भी सबको इंतजार। MQM और GDA की जानिब से दिए गए नामों पर गौर। शुएब सिद्दीकी, यूनस ढाका और सफदर अब्बासी के नाम फेवरेट। MQM और GDA में तीसरी मुलाकात कल होगी। निगरान वज़ीर आला और काबीना के नामों पर हतमी मशावरत की जाएगी।